मध्य प्रदेश के बैतूल में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथ बर्फ की सिल्ली रखकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह सिल्ली कलेक्टर को सौंपी। ये प्रदर्शन कांग्रेस विधायक नीलय डागा के खिलाफ था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक द्वारा छात्रों को दी गई धमकी उठाकर फेंक देंगे, दोबारा नहीं मिले। विधायक छात्रों पर गुस्सा कर रहे हैं, कल राह चलते आम जनता को धमकी देंगे। ये बर्फ की सिल्ली कांग्रेस विधायक के लिए सद्बुद्धि बूटी बनेगी। ज्ञात होगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 17 अप्रैल को मारुति नर्सिंग इंस्टीट्यूट में व्याप्त समस्याओं और छात्रों की ट्रेनिंग कराने के लिए NH-69 पर प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने यहां चक्का जाम कर दिया था। इस बीच सड़क से गुजर रहे कांग्रेस विधायक इस जाम में फंस गए। आरोप है कि कांग्रेस विधायक नीलय डागा ने मौके पर मौजूद छात्र नेताओं को उठाकर फेंक देने की धमकी दी थी। इसी से एबीवीपी कार्यकर्ता नाराज हैं। एबीवीपी के जिला संयोजक देवेंद्र धुर्वे ने बताया कि बैतूल जिले के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को बैतूल कांग्रेस विधायक नीलय डागा के लिए बर्फ की सिल्ली भेंट की, ताकि वे अपने सर पर बर्फ की सिल्ली लेकर चलें और अपना क्रोध शांत रखें, शिष्ट जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें, साथ ही इस तरह की धमकी देने पर विद्यार्थियों से माफी मांगें। इस प्रदर्शन में जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप उन तक पहुंचाए ताकि वो छात्र नहीं या फिर जितने विधानसभा में जनमानस है सभी पर अपने नर्मदा से बात करें सभी लोगों से। हमारा ये विषय इसलिए हमको आपको वेट करने के लिए आए।